चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर नंबर यार 4 जो है ये आपको सही तरीके से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको चैप्टर 4 नहीं आता तो चैप्टर नंबर 6 में आप फंस जाओगे। चैप्टर 4 जो है वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। डिफरेंशिएशन होता है एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हो। तो किसी भी फंक्शन को आप उसका अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आप क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन। अब सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन के जो मेन फॉर्मूले हैं उन पे हम आ जाते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो बात की जाती है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव में सबसे पहले आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ा हुआ था, जरा उसको हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये वो क्वेश्चन है जो आपके सब्जेक्टिव पेपर में हर दफ़ा आता है, बहुत दफ़ा मतलब तकरीबन हर साल ही आता है, आपको नज़र आ जाता है पास पेपर्स में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड नॉर्मली पूछी जाती है एमसीक्यूज़ में, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपको याद होनी चाहिए, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। यह आपके पास पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव की नोटेशंस क्या है? डेरिवेटिव आप इस तरह भी लिख सकते हो, अगर एक फंक्शन y है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप डेरिवेटिव को y प्राइम लिख दो या f ऑफ प्राइम लिख दो, एक ही बात है। इस तरह भी आप डेरिवेटिव को शो कर सकते हो, या आप इसको dy अपॉन dx इस तरह भी शो कर सकते हो। तो ये दोनों डेरिवेटिव की नोटेशन है, प्राइम भी आप यूज कर सकते हो, dy अपॉन dx भी आप यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। इसमें आप डेरिवेटिव निकालते हो एट ए पॉइंट पे, असूरी तौर पे ये एक्स होना चाहिए था ना, कि डेरिवेटिव लिया है तो एफ ऑफ प्राइम एक्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं एट पॉइंट ए, तो दैट्स वाई यहाँ पे ए लिखा हुआ होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो ये चीज़ पूरी पूछ लेते हैं और आपसे बोलते हैं किसके बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ प्राइम ए के। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला भी देख लिया और डेरिवेटिव की नोटेशन भी आपने देख ली है। सर मैं हूँ, अच्छा आप नेक्स्ट टाइम अपना नाम चेंज कर लो ना, नाम चेंज करने में क्या प्रॉब्लम होती है? अगर चलो आपका नाम चेंज नहीं भी होता तो चलो मुझे याद है अब। अच्छा सर, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। हाँ, इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो भी देख लेते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, इवन अगर आप चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट में आ जाओ तो दूसरा फॉर्मूला ही इन्होंने प्रूव करवाया हुआ है। दूसरा फॉर्मूला ये होता है एफ ऑफ प्राइम एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। हाँ ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है, ये भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये इजी फॉर्मूला होता है इसलिए नॉर्मली मैं ये लिखवाता हूँ। अच्छा, कुछ लोग जैसे फेडरल की बुक में आपको एच की जगह डेल्टा एक्स मिलेगा, तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स पुट किया हुआ है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, तो वो वाली नोटेशन भी बड़ी मशहूर है। तो डिफरेंट नोटेशन है ये वाली और ये वाली, दोनों आपको आनी चाहिए। ये दो फॉर्मूले आपकी बुक में मेंशन है, तो आप दो, आपको दोनों का पता होना चाहिए। अब डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए कि किस रूल्स के तहत आपने डिफरेंशिएट करना है। कुछ बेसिक रूल्स है वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं वैसे बता देता हूँ कि अगर एक कांस्टेंट है और आपने कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो जीरो के बराबर होता है। कहीं भी कांस्टेंट आपको मिल रहा है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, हम अभी पढ़ रहे हैं रूल्स, तो कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो ये आप याद रख लो, अगर टू आ रहा है, फोर आ रहा है, ई आ रहा है, ई भी एक नंबर है ना, कांस्टेंट है, पाई आ रहा है, तो ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट, इनका डेरिवेटिव जो है वो जीरो के बराबर होगा। उसके बाद दूसरा रूल भी है, और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ भी याद करवा रहा हूँ, ये आपको काफ़ी काम आएगी, कि अगर आपके पास वेरिएबल x है, नॉर्मली आप जब डिफरेंशिएट करते हो तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे होते हो, आपके लेवल पे विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएशन की जाती है। तो अगर आपके पास लिखा हुआ है 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2 के बराबर होता है। कैसे? कि जब कोफिशियंट को आप कर देते हो साइड पे और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हो, तो 2 को आपने साइड पे कर दिया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो गया? 2 के बराबर हो गया। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको याद करवा रहा हूँ। पहली चीज़ कि आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव याद रखो, जीरो के बराबर होता है। दूसरी चीज़, अगर कोई इस टाइप का फंक्शन आ रहा है 2x, तो डेरिवेटिव 2,
माइनस थ्री एक्स तो डेरिवेटिव माइनस थ्री, एक्स अपॉन टू तो डेरिवेटिव वन अपॉन टू, जो भी x के साथ कोफिशियंट आ रहा है वही डेरिवेटिव का आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर लिखा हुआ है ex तो डेरिवेटिव हो जाएगा e, अगर लिखा हुआ है पाए x तो डेरिवेटिव हो जाएगा पाए, सब कोफिशियंट है साइड पर रोको, x का डेरिवेटिव वन होता है, तो ये सब आपके पास आंसर आ जाएंगे। दूसरी चीज हम आगे भी जाके पढ़ेंगे ln का डेरिवेटिव, तो याद रख लो कि ln x लिखा हुआ है ना, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। अब ln x आ जाए, रूल में बाद में बताऊंगा इसका, अभी मैं बता रहा हूं जो चीजें आप याद कर लो, ये बहुत आती हैं MCQs में। ln 5x हो जाए तब भी 1 अपॉन x डेरिवेटिव होगा, ln 7x हो जाए तब भी उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x ही होगा। लेकिन अगर लेट कर लो आ जाए 5 ln 5x, तो ln 5x का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन x होता है ना, ये 5 अपनी तरफ से लिख दो तो हो जाएगा 5 अपॉन x। ln x का या ln 5x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x, उसको एक 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 अपॉन x आ जाएगा। तो ये वो डेरिवेटिव है जो आपने याद रखने। इसी तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सिंपल। x क्यूब 3x स्क्वायर डेरिवेटिव, x 4 4x क्यूब डेरिवेटिव। तो जस्ट आप इस पे पावर रूल अप्लाई कर रहे हो, लेकिन पावर रूल आप इन पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इनको आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे, प्रॉपर पावर रूल जो है उसको लगाने की जरूरत नहीं है, लगा तो पावर रूल ही है लेकिन इनको डायरेक्ट याद कर लेना इस तरह। तो ये कुछ डेरिवेटिव है जो आप लोग याद कर लो, एमसीक्यूज में आपको काफी काम आएंगे। अब रूल्स में दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल है, वैसे तो तीन इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहला रूल पावर रूल हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जो इजी पावर रूल है वो आपने यहां पे यूज कर लिया है कि पावर पहले आ गई पावर में से वन कम किया, इसी तरह यहां पे पावर पहले आ गई पावर में से वन कम किया तो टू बच गया, ये इजी वाला वर्जन पावर रूल का आपने यूज किया हुआ है। पावर रूल को हमने थोड़ा एक्सटेंड भी कर दिया है यूजिंग चेन रूल। अब एक चेन रूल भी होता है जो आपकी बुक में मौजूद है, मैं उसका जरा फॉर्मूला बता दूंगा, तो उसके जरिए से हमने इस पावर रूल को एक्सटेंड किया हुआ है। तो मैं चेन रूल में नहीं जा रहा, मैं आपको पावर रूल का एक्सटेंडेड वर्जन बता रहा हूं ताकि आपको कोई मसला ना हो, उसको याद कर लो। पावर रूल में बस आपने एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स की पावर एन, कोई भी एक फंक्शन लिखा हुआ है और उसकी होल पावर एन लिखी हुई है। होल पावर क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि स्टूडेंट समझते हैं कि ये होल पावर है, ये होल पावर में नहीं मानी जाएगी। ये स्क्वायर जो है ये ln x के ऊपर नहीं है, ये स्क्वायर x के ऊपर है, तो इस पे आप पावर रूल नहीं लगा सकते। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो साइन एक्स स्क्वायर, तो अभी भी ये स्क्वायर पावर साइन के ऊपर नहीं है, ये एक्स के ऊपर है, तो अभी भी आपका पावर रूल नहीं लग सकता। पावर रूल कब लगेगा, अगर ये टू यहां पर आ जाए, अब ये माना जाएगा कि पूरे फंक्शन के ऊपर पावर है, या इस केस में इस तरह आ जाए। तो जब पूरे फंक्शन के ऊपर पावर होगी तब आप लगाओगे पावर रूल। और पावर रूल कहता क्या है, पावर रूल कहता ये है कि जो भी पावर है उसको नीचे उतारो, फिर उस पावर में से वन कम करो, उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो स्टूडेंट भूल जाते हैं कि उन्होंने एक्स की डिफ्रेंशिएशन सीखी भी होती है। अगर एक्स की जगह कुछ और आ जाए, यहां पर साइन एक्स आ जाए कॉस एक्स आ जाए, तो फिर क्या करोगे, तो उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या एलएन आ जाए या कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, या एक्स में भी डिफरेंट आ सकते हैं ना, थ्री एक्स आ जाए थ्री एक्स की पावर फोर, या एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर होल पावर फोर, तो किस तरह डिफरेंशिएट करोगे कि आपने देखना है कि फंक्शन नीचे है और होल पावर उसके ऊपर होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास आ रहा है थ्री एक्स प्लस वन का होल क्यूब, तो आपने देखना है कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसकी होल पावर है, तो सबसे पहले तो पावर रूल अप्लाई करो, पावर पहले आ गई पावर में से आपने वन कम कर दिया, उसके बाद आप बेस के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करवाओगे, बेस मतलब जो नीचे फंक्शन है उसके डेरिवेटिव भी आप लोगे। और इस केस में जैसे बेस थ्री एक्स है ना, तो वन का डेरिवेटिव तो जीरो, थ्री एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा थ्री के बराबर। तो स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जहन में रखना। नेट का मसला हो रहा है आप लोगों को, मैं तो डेटा ऑन किया हुआ है। चलो ठीक है, सही है अभी तो।
तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो पूरे चैप्टर 4 में, बस ये वाली फॉर्म शायद आपने ना पढ़ी हो कहीं से, तो इस तरह का याद कर लो कि बहुत आसानी हो जाएगी कि नीचे एक फंक्शन है, सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करो और फिर जो नीचे फंक्शन आ रहा है ना उसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके काफ़ी एग्जाम्पल इस तरह हो जाएंगे जैसे ये मैंने बताई है। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए एल एन एक्स का स्क्वायर, तो सबसे पहले या क्यूब कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। सबसे पहले पावर 3 पहले आ गई, पावर में से 1 कम करो, फिर आप 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे। क्यों? क्योंकि बेस यहाँ पे एल एन एक्स है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो ये बेस का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवाना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप लोग जहन में रखना, तभी मैंने इस फॉर्म में आपको पूरा फॉर्मूला करवा दिया। उसके बाद प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल है, आई गेस आप लोगों को आता ही होगा, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। प्रोडक्ट रूल ये है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है यू और वी, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले v को रखोगे साइड पे, u का डेरिवेटिव ले लोगे, प्लस u को रखोगे अब साइड पे, v का डेरिवेटिव ले लोगे। ये सिंपल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। ऑर्डर आपने याद रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में ऑर्डर मैटर नहीं करता, दरमियान में पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ऑर्डर याद रखो क्योंकि क्वेश्चन रूल में आपको आसानी होगी। ऑर्डर क्या है कि v को आपने पहले साइड पे रखना है, u का डेरिवेटिव, फिर u को रखो और v का डेरिवेटिव। ये है प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन रूल में बस ये होगा कि दरमियान में आ जाएगा नेगेटिव और नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन रूल। क्या किया आपने, दरमियान में नेगेटिव आ गया, नीचे आ गया वी स्क्वायर, अब यही फॉर्मूला जो प्रोडक्ट रूल के था, अब वो फॉर्मूला बन गया क्वेश्चन रूल का। तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक बातें तो पता होंगी, कुछ मैंने रिवाइज भी करवा दी हैं। कुछ सवाल है तो पूछ लो यहाँ से यार, इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है यार, 4.1 का कोई भी सवाल उठाओ, 4.1 बहुत बेसिक सी है, पहला वाला नहीं उठाना, वो तो फर्स्ट प्रिंसिपल का है। 4.1 के क्वेश्चन नंबर शुरू के उठा लो आप, आपको अलजेब्रिक फंक्शन जो है, जब भी एक्स आ जाए ना, तो मैंने बताया एक्स का तो आपने इस तरह डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि उसमें बेस नीचे एक्स होता है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करवाने की क्या जरूरत है, तो एक्स में बस आप इतना ही पावर रूल लगाओगे। लेकिन एक्स के अलावा अगर कोई और बेस हो, जैसे 3x+1 या कुछ और हो, तो फिर आप बेस के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करते हो। तो सिंपल 4.1 में पॉलिनोमियल्स गिवन है जिनमें एक्स गिवन है, तो आपने हर दफा पावर रूल लगाना होगा। एक चीज का ध्यान रखना कि जब नेगेटिव पावर हो तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है एक्स की पावर -2, तो वो गलती ये करते हैं कि -2 नीचे उतारते हैं उसके बाद -1 कर देते हैं इसको। देखो जब -2 में से आप 1 कम करोगे ना, तो ये -3 हो जाएगा, मतलब इस तरह आप लिखोगे कि पावर में से आप -1 कम किया, तो अब ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो बस इसमें आप ध्यान रखना कि इसमें गलती ना करो आप लोग। दूसरी बात, एक आपको टिप दे रहा हूं कि क्वेश्चन रूल से आपने अवॉइड करना है, जिन क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में अगर एक लिखा हुआ है ट्रम, तो आप उसमें एलसीएम ब्रेक करो, सिंप्लीफाई करना उसको, क्वेश्चन रूल अप्लाई ना करना, क्योंकि क्वेश्चन रूल बड़ा होता है, मसला होता है। तो मैं एक हल बता रहा हूँ, लेट कर लो अगर आपके पास इस टाइप का फंक्शन मौजूद हो, 1+x/x2। अब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, असली तौर पे आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन आप क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं करना, आप एलसीएम ब्रेक कर देना, आप 1 के नीचे भी x2 लिख देना, आप x के नीचे भी x2 लिख देना। अब किस तरह डिफरेंशिएट करोगे, अभी भी इस पे दो डिवाइड हो रहे हैं ना, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको कैंसिल करो, अब आप इनको ऊपर ले जाओगे, x2 ऊपर जाके हो जाएगा x^-2, और x नीचे मौजूद है ना, क्योंकि एक x तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर जाके हो जाएगा x^-1। तो अब आपका सवाल बहुत ही ईजी हो जाएगा, जस्ट आपको यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन रूल से अवॉइड करना, ज़्यादा टाइम लगेगा, गलती भी हो सकती है, उससे ईजी तरीका है कि आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर लेना। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप एलसीएम ब्रेक करना, जो नीचे पावर है ना उसको आप ऊपर लेके चले जाओ, नीचे पावर 2 है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह ये x से आपने 1^2 कैंसिल कर दिया, नीचे x बचा हुआ था, तो इस x को ऊपर ले जाओ, इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3-4 है ना, उसमें इस टाइप की फ्रैक्शंस होंगी कि जिसमें एक डिनोमिनेटर है, नीचे एक ही टर्म है, तो जो नीचे जब एक टर्म होती है तो आप इस तरह कर सकते हो। अगर 2-3 टर्म आ रही है तो फिर आप एलसीएम ब्रेक कर नहीं कर सकते, फायदा कुछ नहीं है उसका, जब एक हो तब आप ये टेक्निक कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग 4.2 का जो क्वेश्चन है, 4.1 के जितने क्वेश्चन हैं सॉल्व कर लेना, काफ़ी हो जाएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा।
क्वेश्चन नंबर वन में सिंपल पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर थ्री में नेगेटिव वाले पॉलिनोमियल हैं, और कुछ इस टाइप के सवाल मिलेंगे जो अभी मैंने बताया था कि जिसमें आप एलसीएम ब्रेक करोगे। क्वेश्चन नंबर फोर बेहतर है ट्राई कर लेना एक पार्ट, क्वेश्चन टूल अप्लाई होगा उसमें आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये जहन में रख लेना। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के मैं तरीके बता रहा हूँ आपको। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं यार, पहले दूसरे स्टूडेंट ने क्या सवाल पूछा है वो मुझे बताओ पहले। फोर पॉइंट वन में से कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर टू कर लो, थ्री कर लो, फोर का एक पार्ट कर लेना काफी है। हाँ यार पूछो, कोई और सवाल पूछ रहा था। यार देखो एलसीएम ब्रेक नॉर्मली आप वहां पे करते हो जब डिनोमिनेटर में एक टर्म मौजूद है, आप दो टर्म हो तब भी कर सकते हो। 6.3 इंटीग्रेशन में क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर 9-10 है जिसमें नीचे दो टर्म लिखी हुई थी, आपने ब्रेक कर लिया। इसी तरह 6.5 में या 6.7 में भी आप ब्रेक करते हो। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन टूल अप्लाई करने की, तो उसमें फायदा नहीं होगा, उसमें आपको करने का ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं होगा, आप फिर भी फंस जाओगे उसके अंदर। तो इसलिए कह रहा हूँ कि फिर आपको प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ जाएगा। चलो क्वेश्चन टूल से बच जाओ तो प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ जाएगा। तो इसलिए असूलन तौर पर मैंने बता दी कि अगर नीचे एक टर्म है ना तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकोगे, क्योंकि आप एलसीएम ब्रेक करोगे सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे आपके लिए आसानी से अप्लाई कर लोगे। लेकिन अगर एक टर्म नहीं है, दो टर्म है, तीन टर्म है, तो फिर आप क्वेश्चन टूल ही अप्लाई कर दो। उसमें जितने आपको स्टेप करने पड़ेंगे उससे बेहतर क्वेश्चन टूल अप्लाई कर दो।